अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सबा। मैं आज बनाऊंगी चिकन चिल्ली रेस्टोरेंट जैसा। इसके लिए मैंने लिया है चिकन 1 kg। ये 1 kg चिकन विद बोन है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 tablespoon ब्लैक पेपर, 1 tablespoon सॉल्ट, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 green chilies मैं डाली हूँ इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 tablespoon सोया सॉस, 3 tablespoon कॉर्नफ्लोर डालूंगी मैं, 2 tablespoon मैदा मैं डालूंगी और 1 egg। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे मैं 1 egg ली हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे मैं 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर दूंगी। 30 मिनट्स मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन। एक पैन में मैं हाई फ्लेम में ऑयल गरम कर लूंगी। एक एक करके मैं चिकन के सारे पीसेस को मैं फ्राई कर लूंगी। दूसरे पैन में मैं 2 tablespoon ऑयल गरम करूंगी। उसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक, चॉप्ड किया हुआ 2 green chili कटी हुई, 1 onion क्यूब साइज में कटा हुआ ऐड करूंगी। इस सभी को अच्छे से सॉटे कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 capsicum कटा हुआ और स्प्रिंग अनियन। ये सभी को मैं अच्छे से कुक कर लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 3 tablespoon टमाटो केचप, 1 tablespoon रेड चिली सॉस, 2 tablespoon सोया सॉस और 1 tablespoon वेनेगर डाल करके मैं अच्छे से मिला लूंगी। इसमें आप सॉल्ट अपना ऐड करें टेस्ट के मुताबिक। इसे अच्छे से मिला करके ग्रेवी जैसा बना लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन को ऐड करके मैं थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी, अच्छे से मिलाऊंगी। 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर को मैं पानी में मिक्स करके इसमें ऐड करूंगी। ढक्कन ढक करके थोड़ी देर मैं कुक करूंगी इसे। और ये रेडी है आपका चिकन चिल्ली। ये बहुत ही यम्मी बना था गाइस, मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश करें और सर्व करें। और हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें।